हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो हम लोग आगे का पार्ट शो करते हैं मिस्टर यू यहाँ पर तो कन्फर्स कर देते हैं फिर इसे यहाँ रेस्ट करता रहता है कुछ टाइम बाद वो उठ के अपना जो बटलर का जो यूनिफॉर्म रहता है वापस से पहन लेता है वह सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया हूँ अब पता नहीं जो चेयरमैन यूँ हैं वो क्या कर रहे होंगे मुझे जल्दी से जल्दी अपने रूम में जाना होगा अब अपने रूम के लिए निकलता ही रहता है तभी वो टकरा जाता है मिस्टर यू से मिस्टर यू पूछते कि हे तुमने इतना जल्दी क्लोथ भी चेंज कर लिया तुम्हें रेस्ट की जरूरत थी सियान बोलता है कि नहीं सर मुझे अपना ड्यूटी वापस जाना पड़ेगा डोंट वरी आई एम फाइन मिस्टर यू यहाँ भी केयर करते हैं कि कोई बात नहीं मैं तो मैं तुम्हारा रूम तक छोड़ देता हूँ पर भी यहाँ पर सन बोलता है कि नहीं अब तो हम लोग कल मिलते हैं सर दूसरे साइड वो अपने आप को होश में लाने की कोशिश करते हैं कि सीरियसली ये सब जो हो रहा है जिसने मिस्टर यू ने मुझसे बात किया ये सब सच है और दूसरे साइड से वो सोचता है कि कहीं मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए मेरी इस एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कहीं कुछ हो गया तो कहीं किसी ने देखा तो नहीं पर उसे क्या पता कि सच में किसी ने देख लिया है वो कोई और नहीं चेयरमैन यूँ हैं और वो बहुत ही डरता रहता है कि आज सुबह कुछ बखेड़ा हो जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं होता सब चिलपिल रहते हैं यानी कि कोई कुछ क्वेश्चन करता नहीं तो बोलता है कि सब ठीक है और कुछ टाइम बाद उसकी जो बिज़नेस ट्रिप है वो ख़त्म हो जाते हैं वो वापस से वो लोग अपने कंट्री आ जाते हैं और यहाँ पास चेयरमैन यू यू हैं वो बहुत ही खुश हो जाते है। बोलते है कि तुम है मिलकर बहुत अच्छा लगा तुम्हारा काम बहुत अच्छा था नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर सीआन बोलता है कि ऑफ़कोर्स हम लोग ज़रूर मिलेंगे और वो चले जाते हैं सीआन पूछता है मिस्टर यू से क्या अब हम लोग होटल जाने वाले हैं सब यहाँ पर मिस्टर यू बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे तुम्हारे लिए और फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करते थे कि इसका सडनली हीट आ गया था पर ऐसे कैसे हो सकता है इसके बारे में बता सकते हैं डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैंने मेडिसिन तो दिया था इसको प्रिस्क्राइब किया था वो बहुत ही स्ट्रॉग एंड वंग था शायद में भी साइड इफ़ेक्ट हो जा सकते हैं यहाँ पर सेवन को याद आ जाता है कि हाँ वो मेडिसिन गॉर्ड शायद इसी वजह से हुआ होगा बट डॉक्टर बहुत ही खुश हो बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि सेवा तुमने अभी रिसेंटली ही फेरमेंस अपने ऑब्जर्व किया राइट तो यहाँ पास वो दोनों में ब्लस हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि देखो ना तुम्हारा फफॉर्मेंस अभी बहुत स्टेबल है लास्ट टाइम जब हम लोग मिल लेते हैं बिजनेस ट्रिप के टाइम पे तुम्हारा फफॉर्मेंस अनस्टेबल था पर देखो तो कितना स्टेबल हो गया वो लोग ब्लश ही करते रहते हैं और फिर वो नया जो मेडिसिन रहता है उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं फिर वो लेके आ जाते हैं वापस से होटल पर और उन की जो डेली लाइफ है वापस से स्टार्ट हो जाती है जैसे वो बटला का काम करता है उसको ऑफिस जाना रहता है पर यहाँ पास सीएम नोटिस करते हैं कि वो डे बाय डे ओवर टाइम कर रहा है तो पूछता है कि सर आप ओवर टाइम क्यों कर रहे हैं मैंने देख रहा हूँ कुछ टाइम से कि आप ओवर टाइम कर रहे हैं यहाँ पर वो बहुत ही खुश हो जाता है कि वो उसके लिए कंसर्न फील कर रहा है फिर भी वो कहता नहीं है से यहाँ सोचते हैं कि जब से हम लोग बिजनेस ट्रिप से वापस आए सर रेस्ट ही नहीं कर पाते हैं इतना काम कर रहे हैं सब मेरी वजह से हुआ है ना वो मेरी वजह से बिज़नेस ट्रिप में गए इसलिए उनका काम ही इधर रुक गया है यहाँ बस मिस्टर ये बोलते हैं कि तुम तो मेरे लिए वरीड कर रहे हो सियान बोलता है कि हाँ मुझे पता है आप मेरी वजह से सब हार्ड वर्क कर रहे हो मेरे कारण आप बिजनेस ट्रिप पे गए हो यहाँ पर उसको बहुत ही खुशी होता है कि सयान उसके लिए मतलब वरीड फील कर रहा है बोलता है कि सयान डोंट वरी यदि तुम्हें तो मेरे लिए इतना ही वरीड है तो क्यों ना हम लोग साथ आज डिनर करें पर यहाँ नहीं इस होटल में नहीं कहीं और क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे फिर से उन बहुत ही ब्लश करता रहता है तभी मिस्टर यू बोलते हैं कि जैसे कि डेट अब वो डेट का नाम सुनते हुए इतना ब्लश करता रहता है फिर उसे याद आ जाता है कि वो राइट लास्ट टाइम मिस्टर यू ने कहा था कि वो मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हैं और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था तभी वो बहुत ही खुश होकर बोलता है कि ठीक है सर फिर हम लोग अपने घर पर मिलते हैं यानी कि मेरे घर पर मैं आपके लिए आज रात का खाना बना दूँगा वैसे भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया है यहाँ पर मिस्टर यू खुश हो जाते हैं कि हे तुम्हें याद है वो बातें मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें याद है और वो एक प्यारी सी स्माइल देता है जिस स्माइल को देख के सीवान के दिलों की धड़कड़ी बहुत ही तेज़ हो जाती है और वहाँ से भगता रहता है उसका जो गाल रहता है रेड हो जाता है बोलता है कि सर इसके उसमें मैं आपसे बाद में बात करूँगा और वो जल्दी जल्दी से बाहर निकल जाता है और अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने उन्हें इतना बड़ा स्माइल करते हुए देखा था हो oh गॉड मुझे हो क्या गया है अपने आप को काम डाउन करते हैं बोलता है कि काम डाउन काम डाउन ऐसा नहीं होगा और वो लिफ्ट में जाता रहता है तभी वहाँ उसका वही जनरल मैनेजर मिल जाता है जो उसको रिकमेंड किया था वो बिजनेस ट्रिप में जाने के लिए वो जनरल मैनेजर बोलते हैं कि हे सो आओ आओ जल्दी आओ अंदर मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है तुम्हें पता है चेयरमैन यू कितने खुश है तुमसे लेके तुम्हारे काम को लेके मैं बहुत खुश हूँ मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम उनके साथ गए हो यहाँ पर सेन बोलता है कि हाँ मुझे भी अच्छा लगा है उसके जनरल मैनेजर बोलते हैं कि वो तुम्हें और भी थैंक्स बोल रहे थे कि तुमने जैकवान को मनवा लिया उनके साथ कंपनी में काम करने के लिए यहाँ पर वो जैसे ही सुनते हैं जैकवान उनकी कंपनी में काम करा है वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने कब उनसे कहा और बोलते हैं पर मुझे तो पता नहीं है यहाँ बस मैनेजर जो जनरल मैनेजर बोलते हैं कि तुम्हें तो नहीं पता मिस्टर जैकवान ने डिसाइड किया है कि वो चेयरमैन के अंडर काम करेंगे उनकी कंपनी में वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, से हुआ है यहाँ पर उसका चेहरा उतर जाता बोलता कि क्या मेरी वजह से हुआ है फिर वो सोचने लग जाता है कि नो वे ऐसा नहीं हो सकता क्या उन्हें मेरे बारे में पता चल गया शायद इसी वजह से है राइट और मैं दूसरे सर दिखाया जाता है कि मिस्टर यू हैं अपना सारा काम जो उसके मैनेजर रहते हैं उसको सब चीज़ दे बोलता है कि अभी तुम ये सब मेरे बात हैंडल करो मैं अभी कुछ टाइम तक इस ऑफिस में नहीं आऊँगा मुझे उम्मीद है कि तुम ये सब हैंडल कर सकते हो और यहाँ पर मैं कुछ टाइम का पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग बिजनेस ट्रिप में जा रहते हैं यहाँ पर उसके फादर रहते हैं ना वो ब्लैकमेल करते हैं उसको और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में आ जाओ मुझे पता है तुम्हें पता है कि मुझे क्या पता है तो यहाँ पर को समझ नहीं आ रहा था कि आप कहना क्या चाहते हैं मैं कहना चाहता हूँ बटल सी यार मुझे पता है कि वह एक उमे गया और तुम्हें भी ये पता है राइट यहाँ पर मिस्टर भी बोलते हैं तो आप मुझे क्यों बता रहे हो तो वो बोलता है कि ठीक है तो मैं होटल स्टाफ को बता देता तो हूँ कि वह एको में गए फिर सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पस कभी नहीं चाहता रहता कि जगवान ऐसा कुछ हो तो बोलता है तो अच्छा आप मेरे साथ डील करना चाहते हैं यहाँ पर उसका जो चेयरमैन फादर बोलता है कि हाँ राइट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन करो इन की थोड़ी बहुत मदद करो और मैं बटलर के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा किसी से यहाँ पर हमें क्या जाता है कि वो डेल को ये एक्सेप्ट कर लेता है इसलिए वो अपनी कंपनी के जो मैनेजर यून रहती है उसको सब काम समझा देता है और वापस से मतलब सयान से मिलने के लिए क्योंकि आज उन लोग की डेट है घर पे वापस होटल के लिए आ जाता है जहाँ पर सान का कॉल आता है सोयन पूछता है कि सर क्या आप रास्ते पर हो यहाँ पर मिस्टर जी बोलते हैं कि हाँ मैं जस्ट अभी निकल रहा हूँ मैं तुम्हें रास्ते में पिक कर लूँगा क्या तुम होटल पर हो तो बोलता है कि नहीं बस मैं भी थोड़ी देर होटल से निकला हूँ और बोलता है कि ठीक है फिर मैं तुमसे होटल के बाहर ही मिलता हूँ जहाँ पर उसमें बताया जाता है कि वह कैफ़े के बाहर है और वो ना सब याद करते रहते है कि कैसे उसके जनरल मैनेजर हैं वो सब बता रहे थे उसको बहुत बुरा लगता है कि शायद जो है मैंने जानबूझ के सब किया है उन्हें पता है पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जयमान उनके अंडर काम करना चाहे मुझे पता है सब मेरी वजह से हुआ पर मैं क्या कर सकता हूँ वो गॉड ये ट्रू नहीं होना चाहिए कि उन्हें मेरे बारे में पता हो तभी वापस मिस्टर यू आ जाता है बोलते हैं कि हे तुम बाहर क्या कर रहे हो अंदर आ जाओ बाहर ठंडी है और लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं बोलता है कि ठीक है फिर हम लोग तब तुम्हारे घर चल रहे हैं ठीक है, है? यहाँ पर वो देखता है कि मिस्टर सेयन कुछ रिप्लाई ही नहीं कर पा रहे मिस्टर यू बोलते हैं कि हे मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या हुआ तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो सियान यहाँ पास बहुत ही डरता रहता है बोलता है क्या चेयरमैन यू को वो पता है यहाँ पर मिस्टर यू को कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहा है बोलता है कि हे तुम क्या बातें कर रहे हो वो कहता है कि यही कि मैं घूमेगा हूँ क्या उन्हें पता है मैंने सुना है कि आप उनकी कंपनी में ज्वाइन कर लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हो आप कभी भी चेयरमैन के अंदर काम नहीं करना चाहते थे क्या सब मेरी वजह से हुआ है यहाँ बस वो स्माइल करके बोलता है कि सोयान क्या हम दोनों समुद्र देखने चले तो आज का ये पार्ट यहीं खत्म होता है I hope you like this video. Thank you for watching.